हे गाइज, वेलकम टू ड्रैको गेम्स। सबसे पहली बात, वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन, लेस देन 10,000 सब्सक्राइबर है। जिसने भी नहीं किया है सब्सक्राइब, नीचे एक लाल बटन है, उसको प्रेस कीजिए, ड्रैको गेम्स में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, बहुत क्लोज है हम लोग। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं देखना चाहता था कि सबसे सस्ता गेमिंग माउस, जिसमें गेमिंग माउस के कुछ फीचर्स होते हैं कि कुछ कस्टमाइजेबल बटन हो, थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो, RGB लाइटिंग वाइटिंग हो, ऐसा करके, तो कुछ ऐसा कुछ माउस सबसे सस्ता कितना मिल सकता है, मैं उसकी क्वालिटी देखना चाहता था कि सबसे सस्ता कौन बेचता है। तो अमेज़न में मैंने एक माउस मेरे को ये दिखा, Zinq टेक्नोलॉजीज़, और इसका जो प्राइस है सिर्फ 450 रुपये। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आप देख लो। और पैकिंग के बारे में अगर बात की जाए तो 450 रुपये में तो मेरे को लगा था सिर्फ माउस ही ला के ऐसे हाथ में थमा देता तो चलता। पैकिंग उतनी अच्छी है नहीं, बस एक कार्टून में पैक कर दिया है। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं, इसको खोलते हैं, देखते हैं कि अंदर में क्या मटेरियल निकलेगा। ओके, कुछ नहीं, एक सीडी है शायद। इसका अब कौन सॉफ्टवेयर देता है यार सीडी में अब तो ऑनलाइन डाउनलोड होता है सब कुछ। ठीक है, ये पैकिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी पैकिंग, लेकिन माउस जो है वो ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। ये माउस जो है वो ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। माउस 450 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना भी ख़राब नहीं है जैसा एक्सपेक्टेशन था। मेरे को लगा था कुछ भी उठा के दे देंगे, वैसा नहीं है। मटेरियल की क्वालिटी जो यहाँ प्लास्टिक लगाया है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन इसके क्लिक्स जो है, ये जो क्लिक हो रहा है, ये क्लिक प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है मुझे। इसका थोड़ा मटेरियल ठीक है यार, 450 में और क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे। और चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। और वायर की अगर बात करें तो ये ब्रेडेड वायर है, आप देख सकते हो, और काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। टेक्सचर वायर इज़ द बेस्ट, वायर सही है। ये महंगे माउसों में इस तरह का ही वायर दिया जाता है। अगर वायर की लेंथ की बात की जाए तो काफ़ी है, एक स्टैंडर्ड माउस से थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा। इसको कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या किस तरह का ये चलता है। ओके, तो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आप देखो कि इसमें जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो शायद ये इसके सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके हम स्टैटिक भी कर सकते हैं इसको। ये रैंडम चेंज हो रहे हैं, बढ़िया। देखिए, अगर साइज़ की बात की जाए, माउस के साइज़ की बात की जाए अगर, तो हाथ में जैसी फीलिंग आ रही इसकी, ये यहाँ पर टच हो रहा है, ये इस जगह पर काफ़ी ऐसा होलो नहीं लग रहा। जो स्टैंडर्ड माउस का जो डिज़ाइन होता है बढ़िया फॉलो किया है। और सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे को लग रही है कि इसका क्लिक बहुत अच्छा है यार। कितना चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन You can feel the click, you know. बढ़िया क्लिक है इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर ये 6 महीने भी चल जाए, अगर ये माउस और इस पर गेम खेल लिया जाए तो पैसा वसूल है। 450 में क्या एक्सपेक्ट करते हो। सबसे सस्ता माउस, लेकिन सबसे सस्ता लग नहीं रहा। और गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इन्होंने मुझे कोई ऐसा नहीं कि माउस भेजा और मुझसे बड़ाई करवा रहे, वैसा नहीं है। ये मैंने खुद अपने लिए ख़रीदा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास ये लॉजिटेक का 304 माउस जो पहले से था, इसका क्या है कि क्लिक जो है वो डबल हो गया है। एक बार क्लिक करो तो 2 बार क्लिक होता है। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है लॉजिटेक के माउस में कि यार वो ख़राब हो ही जाता है। मेरे कम से कम 5 माउस ख़राब हो चुके हैं लॉजिटेक की। लॉजिटेक ही खरीदते हैं यार सब, वही खरीदते हैं, हम भी वही खरीदते हैं, लेकिन साला ख़राब हो ही जाता है। तो मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं दूसरा, देखते हैं कि सबसे सस्ता माउस कैसा चलेगा, कितने दिन चलेगा, ट्राई कर रहे हैं इसको। तो लॉजिटेक के माउस खराब होने में हमारा कितना माउस हुआ, 102 का 2 माउस खराब, हाँ, 502 का 1 माउस खराब हुआ, और एक 103 या पता नहीं कौन सा था, 203 एक वो खराब हुआ है। और ये एक रोलर माउस भी था, वो लॉजिटेक का था तुम्हारे पास। हाँ, एक रोलर माउस, एक बड़ा रोलर माउस था, वो भी लॉजिटेक का, वो भी खराब हो गया था। कांस्टेंट रखा रहता था, जिसमें आपको ये मूवमेंट नहीं करना होता था, यहाँ पर रोलर था। हाँ, वो आप थंब से, वो थंब से उस पे भी डबल क्लिक। उसके बाद एक और चीज कि मेरे को लग रहा था कि मेरे को लगता है जो वायर्ड माउस है ना, तो मे बी वायर्ड माउस में प्रॉब्लम आ रही हो, हमारे पीसी में कोई मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो, तो मैंने ये वायरलेस माउस खरीदा। अब वायरलेस माउस में तो कोई कनेक्शन ही नहीं ना, ये भी खराब हो गया। और जबकि इस माउस को हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं गिराया हुआ है, ये बिल्कुल टेबल पर है। डिजाइन बहुत अच्छा, पब्लिसिटी बहुत अच्छी, कंपनी बहुत अच्छी, लेकिन साला लॉजिटेक खराब हो ही जाता है। और लॉजिटेक का मेन था कि इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो वो लोग नया दे देंगे, बट ये कोरोना टाइम में कौन जा रहा है रिप्लेस, कौन रिप्लेस करेगा। हाँ, जाकर वो हासिल ज्यादा हो जाएगा लॉजिटेक। और इससे भी पहले हमने 2 बार रिप्लेस करवा लिया है एक माउस को। एक बार तो उन्होंने पैसे भेज दिए कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, आप पैसे ही ले जाओ। लॉजिटेक। लॉजिटेक में एक चीज़ अच्छी है, सर्विस वो अच्छा देते, लेकिन भरोसा उठ गया मेरे को, माउस का डबल क्लिक हो ही जाता है, मैंने देखा इसलिए और मेरे पास अगर माउस की जाए जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ तो वो आप देखो कि ये कॉर्सेयर का है, और ये कॉर्सेयर का जो माउस है ये दूसरा माउस है। इससे पहले भी जस्ट यही माउस था सेमिटेक प्रो कॉर्सेयर का, उसमें एक्चुअली मैंने गर्म कॉफ़ी गिरा दी थी तो उसका ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर से यही खरीदा। अगर आप इसको नहीं पटकोगे तो ये ख़राब नहीं होगा, मैंने उसको 2 साल चलाया और वो ख़राब नहीं हुआ, तो फिर मैंने वही खरीद लिया, सेम प्रोडक्ट खरीद लिया। मैंने लॉजिटेक का नहीं खरीदा, इसमें भी कस्टमाइजेबल बटन है। तो ये सेकंड जो हमने माउस खरीदा है ये सेकंड में यूज होगा, लेकिन अभी हम लॉजिटेक का ही खरीदते हैं। यस बट यार अब 102 तो एटलीस्ट खरीद ही सकते हैं आप, सबसे सस्ता वो होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन हमने बोला ठीक है यार लॉजिटेक से साड़ी जाते हैं तो खरीदा। तो कोई भी था, मुझे इस पर नज़र पड़ गई, दिमाग में आ गया कि चलो सबसे सस्ता माउस देखा जाए कितने का आता है। तो ट्राई आउट के लिए बढ़िया है, 450 में अगर नहीं भी चलता है और 1 महीना भी चलता है तो अफसोस नहीं होगा कि पैसे बर्बाद हुए। 450 में क्या मिल सकता है, क्योंकि लॉजिटेक का ही तो 6 महीना में ख़राब हो जाता है, इतना महंगा महंगा माउस लेकर भी। तो इसको ट्राई करने वाला हूँ मैं, देखने वाला हूँ क्या होता है। इससे एक आध बार गेम खेल के भी देखेंगे कि क्या फील आती है इसकी। फर्स्ट इंप्रेशन में तो थम्स अप है इसके लिए। हाँ, इसमें स्लाइडर की बात करें तो मेरे माउस में जो दूसरे से कंपेयर किया जाए इसमें छोटा छोटा स्लाइडर, कितना छोटा स्लाइडर है इसमें। मेरे ये 10,000 का माउस है, छोटा छोटा स्लाइडर, और इसमें स्लाइडर कितने बड़े बड़े हैं। नाइस, मुझे होपफुली ऐसा होप लग रहा है कि चलेगा। अगर इसमें अंदर में कोई टेक्निकली कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो ये चलने वाला है ये माउस। और ऑप्टिकल माउस 450 रुपये में गेमिंग माउस। होपफुली आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो पसंद आया। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना गाइस। बी अ पार्ट ऑफ ड्रैको गेम्स, बिकम अ फैमिली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।